नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं हरे प्याज की सब्जी रेसिपी, और ये अपने गार्डन के ही प्याज हैं और ये हमारी मासी जी बना रहे हैं, हम भी हेल्प कर रहे हैं साथ में और आपको दिखा रहे हैं। ये हरे प्याज की कटिंग हो रही है। हरे प्याज की सब्जी की रेसिपी बनते हुए, और ये हरा धनिया और ये लाल मिर्च देखें, गोल वाली भी अपने ही गार्डन की हैं, ये देखें मिर्चें ऑर्गेनिक। और साथ में हम बनाने जा रहे हैं टमाटर की चटनी, और ये टमाटर हमारे उबल रहे हैं। हाँ, धनिया टमाटर टमाटर हमारे उबल रहे हैं। हाँ जी, 2 बड़े चम्मच हमने अपने घी के डाल दिए हैं, और ये हमारी भाभी सोनू बना रही है। इधर अपना टमाटर हमारे उबलते हुए, और धनिया और ऑर्गेनिक मिर्च, ये हमने आलू डाल लिए हैं, और ये स्पून जीरे का डाल दिया है। साथ ही आलू को तलेंगे, टमाटर हमारे उबल चुके हैं, और ये आलू भी हमारे चले जा रहे हैं। और मिर्च हमने बीच में से 2 टुकड़े करके काट के डाल दी है। और 1 चम्मच हमने नमक का डाल दिया, सेंधा नमक, और 1 चम्मच हल्दी डाल दी है। ये गरम मसाला डाल रहा है, धनिया पाउडर, ये थोड़ी कश्मीरी देगी मिर्च, बहुत ही बढ़िया कलर है आया है मसाले का, मिक्स कर रहे हैं। और उसके बाद हरे प्याज हमने अपने गार्डन वाले डाल दिए हैं।
आधी कटोरी हमने पानी मिक्स किया है इसमें। इधर हमारी चटनी का सामान तैयार हो रहा है। इसको अब ढकेंगे ना, कितनी देर के लिए? 10 मिनट। हाँ, 10 मिनट के लिए अब इसको ढक देंगे धीमी आंच पर। ये टमाटर हम ऊपर से छील रहे हैं और बहुत ही गर्म, आराम से इसको छिलके को उतारें। छिलका हमने उतार लिया है और बन रही है टमाटर। ये गर्म लगा है हाथ पे, टमाटर और हरे धनिया की चटनी स्पेशल। सोनू बहुत बढ़िया बनाती है। और ये देखिए, इसमें हमने सारा डाल दिया है अपना हरा धनिया और मिर्च, अपने गार्डन की लाल मिर्च, और ये टमाटर भी इसमें मिक्स कर रहे हैं। चौथाई चम्मच नमक का डालना है, थोड़ा सा और डालना है, हल्का सा। और इसको हम मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। सुनो, चिल्ली से कब सा इसमें यो यो हाँ यो अग्गा हाँ 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 बस ये हमारा देखे बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। धनिया डाल दिया ना इसमें? हाँ, देखें कितनी अच्छी टमाटर धनिया की चटनी बनी है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही बढ़िया। देखें कितनी बढ़िया चटनी बनी है, ऑर्गेनिक टमाटर हरे धनिया की, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी। और ये इधर हमारी सब्जी बन रही है, बीच में इसको चलाते रहेंगे जिससे नीचे ना लगे, दो दो मिनट के बाद हमारी सब्जी का बहुत ही अच्छा कलर आया है। इसको सूखी ही सब्जी बनाएंगे, ना कि तरी बड़ी। बस थोड़ा सा पानी डाला था और दो दो मिनट बाद चलाते रहे धीमी आंच पर। देखें सब्जी हमारी बन रही है और हमने इसमें एक कटोरी पानी की भी डाल दी है जिससे नीचे ना लगे और अच्छी तरह पक जाए। बहुत ही अच्छा कलर आया है, बहुत ही अच्छी हरी प्याज आलू की सब्जी। हाँ, धनिया भी डाला है इसमें हरा, इससे खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है और सब्जी हमारी बहुत ही स्वादिष्ट बन रही है। हमारी आलू हरे प्याज की सब्जी बनकर तैयार, देखें बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया बनी है। और ये ग्रीन चटनी टमाटर और हरे धनिया की हमारी चटनी और आलू प्याज की सब्जी बनकर तैयार।